हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज़ योर बॉय अनी खावर, ए के फैमलेट। मुझे अब यूट्यूब पे वीडियोस बनाए अराउंड एक साल हो गया। पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी 9 सितंबर 2020 को, और आज जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ आज है 5 अक्टूबर 2021, तो अराउंड एक साल और एक महीना हो गया। तो मैंने कहा यार एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ और रैप अप करता हूँ कि इस साल को मैंने कैसे देखा, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी और उन पे मैं कितना उतरा और आगे का मेरा क्या प्लान है। तो पहले तो ना छोटी सी एक बैक स्टोरी हो जाए कि मैंने सारा कुछ स्टार्ट कैसे किया था और क्यों किया था। यार मुझे ना बचपन से ऐसा कोई क्रिएटिव काम करने का, कोई वीडियोज़ वगैरह बनाने का शौक था। मुझे दरअसल शौक था अटेंशन लेने का, जो कि मैं अभी भी ले रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं चवले मारने में तो एक्सपर्ट हूँ ही, तो अगर स्टार्ट करूँगा तो चल चुल जाएगा, ठीक है ना। शौक था मुझे शुरू से। तो एनीवेज एक दिन मैं बैठा था और रैंडमली मैंने अपने दोस्त को कहा, हुसैन जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये मेरे घर के पास रहता था, मैंने इससे कहा कि यार हुसैन मेरे से मिल। तो ये भी काफ़ी वेला था मेरी तरह, तो ये मिला है मेरे से। और फिर मैंने इसे कहा कि हुसैन आ जा यार वीडियो शूट करते हैं। और हुसैन ने पहले तो मेरी ऐसे शक्ल देखी, भाई तू दिमाग सट्टे थे तो क्या बात कर। तो फिर ना मैंने जैसे तैसे करके दो तीन घंटों में उसे मना लिया कि भाई वीडियो बनानी है और मैं तेरा इंटरव्यू करूँगा। और वो था नहीं कि यार बहुत शेट आइडिया, बहुत फारिग आइडिया, तो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन तुझे इंटरव्यू ही मिला और वो भी मेरा ही। फिर जैसे तैसे करके ना जब वो मान गया, तो फिर हमने कहा कि यार अब ये तो मान गया, लेकिन अब वीडियो में मेरा पूछना क्या है। फिर हमने ना एक पेपर पेंसिल पकड़ा और उस पर लिखने लगे कि एक दूसरे से सवाल क्या पूछना है। लिखते लिखते ही वो इतना टाइम हो गया था, ऊपर से 2-3 घंटे से मनाने में लग गए थे, कि हमने कहा कि यार अब जैसा भी है ना शूट कर लो वीडियो, जो भी हो रहा है शूट कर लो। हमने फिर वीडियो चलाई है और एक दूसरे से ना बात करने लग गए। पहले तो भाई हमारी हंसी निकल गई है वीडियो स्टार्ट होते ही कि अब करना क्या है, अब वीडियो तो शुरू हो गई है। उसके बाद हमने एक दूसरे से सवाल पूछना शुरू किया, और जो सवाल हमने कर करके घंटे में लिखे थे वो हमने पहले 5 मिनट में ही एक दूसरे से पूछ लिए थे, और हम फिर शक्ल देख रहे थे कि अभी भाई अब क्या करना है। तो एनीवेज जैसे तैसे करके ना वो वीडियो बना ली हमने। तकरीबन सुबह 2 बजे शुरू हुए थे और शाम 7 बजे हम लोग ना ये सारा कुछ करके उठ गए थे, तकरीबन 5 घंटों में। और अगर आप अभी जाके वो वीडियो देखेंगे ना, इट इज़ वन ऑफ माई शिटीएस्ट वीडियो, लेकिन उसकी वजह से चलो मैंने काम से स्टार्ट कर लिया ना, तो वो थी मेरी पहली वीडियो। ये थी मुझे कि 10-12 व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन जब वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है तो तकरीबन 300 कुछ व्यूज़ आए थे। Wow. और मैं बड़ा हैरान हुआ और खुश हुआ, मैंने कहा यार इतने व्यूज़। और फिर मैंने कहा यार अब तो मैं शुरू हो गया, अब तो मुझे करना पड़ना है। एनीवेज जब होना तो हो गया, अब बात आती है कि हाउ डू आई रेट दिस ईयर, ये जो 2020 के सितंबर से 2021 के सितंबर तक साल गुजरा है, इसे मैं कैसे रेट करूँगा। तो आई विल से आई एम प्रिटी डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ, बिकॉज यार मैंने ना पूरे साल में 15 वीडियोज़ बनाई हैं, 12 महीनों में 15 वीडियोस आई हैं, जिनमें से 8 मैंने इंस्टाग्राम पे पहले डाली थी और उसके बाद 7 मैंने यूट्यूब पे डाली थी। तो मुझे उम्मीद थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालूंगा, लेकिन बिकॉज ऑफ माई FSC के पेपर, इन पेपर्स की वजह से मैं अपने कंटेंट पे जिस तरह फोकस करना चाहता था फोकस नहीं कर पाया। लेकिन इंशाल्लाह अब इस साल मेरी उम्मीदें बहुत हाई हैं। सो विल आई गिव दिस ईयर अ थम्स अप, और विल आई गिव दिस ईयर अ थम्स डाउन? आई विल गिव दिस ईयर अ थम्स अप, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चलो मैंने स्टार्ट तो किया ना अपना यूट्यूब। अब आ जाते हैं बात पे कि इस साल की मेरी पसंद की वीडियो कौन सी थी। जो मेरी पसंद की वीडियो थी वो थी हाउ पीपल विद कस्टमाइज कार थिंक वी रिएक्ट व्हेन वी सी देयर कार। ओए नीक वो देख, वो कस्टमाइज गाड़ी है। ओए हाँ सिविक लग रही है। ओए बहुत कमाल है। ओए यार वो कलर तो देख उसका। दिस इज माई फेवरेट वीडियो ऑफ माई चैनल, बिकॉज यार इस वीडियो से ना मैं बहुत डीपली रिलेट कर सकता हूँ। जब भी मैं किसी की गाड़ी देखता ना, तो मेरे दिमाग में वही ख्याल आते हैं जो इस वीडियो में मैंने बयान किए थे। और जिस तरह वो वीडियो चली थी, उसके अराउंड 1100 व्यूज़ इंस्टाग्राम पे आ गए थे, और फिर जब मैंने वही वीडियो यूट्यूब पे डाली थी 100 कुछ व्यूज़ आ गए थे। तो आई विल से कि लोग रिलेट कर रहे थे उस वीडियो के साथ। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, व्हाट इज़ माय एम फॉर द फ्यूचर, मतलब कि अब अक्टूबर 2021 से लेके मैं नेक्स्ट अक्टूबर 2022 तक अपना एम और अपने एम्बिशंस क्या रख रहा हूँ। तो भाई एम्स भी आए हैं, एम्बिशंस भी आए हैं। इस वक्त मेरे 132 सब्सक्राइबर्स हैं और 15 वीडियोस हैं। तो मैं एम कर रहा हूँ अगले साल अक्टूबर तक मैंने 40 वीडियोस और बना ली हूँ, और अराउंड मेरे 1500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हो। बिट एम्बिशियस, लेकिन इंशाल्लाह मैं कर लूँगा और आप लोग मुझे देखेंगे करते हुए। और इस साल आपको जो कंटेंट नज़र आना है ना, वो होना है मेनली अराउंड स्किट्स, व्लॉग्स एंड चैलेंजेस।
पिछले साल मुझे ये भी नहीं पता था कि किस टाइप का कॉन्टेंट बनाऊंगा, लेकिन आई एम गेटिंग एन आइडिया कि मुझे किस चीज़ का शौक है और मैं कौन सी चीज़ें करना चाहता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो वीडियोज़ मेरे दिमाग में इस वक्त हैं, अगर उनको मैं अच्छी तरह बना पाया तो दे विल बी प्रिटी प्रिटी गुड। तो रैपिंग के साथ उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई छोटा मोटा प्रोग्रेस बना रहे होंगे, बेशक छोटा छोटा ही हो, लेकिन एटलीस्ट दोज आर द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एनी वेज, इट्स बिन योर बॉय फैमलेड ए के अनीक खावर। होप यू हैव अ गुड डे। एनी वेज, पीस। आई विल गिव दिस ईयर